हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रशिया फील्स। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे नीट कट ऑफ के बारे में। 2023 में कितने आपको मार्क्स चाहिए जिससे आप नीट क्वालिफाई कर पाओ, एंड हाउ मच मार्क्स यू विल रिक्वायर टू गेट एडमिशन इन अ मेडिकल कॉलेज इन इंडिया, इन अ गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और प्राइवेट, एंड हाउ मच मार्क्स विल बी रिक्वायर्ड इफ यू वांट टू डू एमबीबीएस फ्रॉम अब्रॉड। सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इस वीडियो को आप एक बार एंड तक जरूर देखना ताकि आपको क्लियर हो जाए कि आपको किस चीज़ के लिए आपको फर्दर प्रोसीड करना है। आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए ऑप्शन एक्सप्लोर करने हैं या फिर आपको एमबीबीएस इन इंडिया के लिए आपको काउंसलिंग के लिए वेट करना है। सो नीट की अगर हम बात करें तो अगर हम लास्ट चार साल का अगर हम रिकॉर्ड चेक करते हैं तो 2019 में जो कट ऑफ थी जनरल कैटेगरी की वो थी 134, ओबीसी की 107। सिमल्टेनियसली अगर हम बात करते हैं 2020 की तो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ थी 147, ओबीसी की 143। 2021 में थोड़ा सा डिक्रीज हुआ था, जनरल कैटेगरी की 138, ओबीसी की 108 थी। इसके अलावा 2022 की अगर हम बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी की 117 जो कट ऑफ मार्क्स थी जनरल कैटेगरी से, अगर किसी ने अगर 117 और या 117 प्लस अगर मार्क्स किए तो ही वॉज नॉट क्वालिफाइड, एंड ओबीसी के लिए इट वॉज 93। तो इसके साथ एक और चीज़ है नोटिस करने के लिए जो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2019 में अपीयर किया था 14 लाख स्टूडेंट्स ने, 2020 में 13.67, 2021 में 15.4 और 2022 में 17.64 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था। जबकि अगर हम बात करते हैं इस साल 2023 की तो इस बार मोर देन 18 लाख स्टूडेंट ने इस एग्ज़ाम में अपीयर किया है। नीट कट ऑफ का जो एक फैक्टर है वो काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इस चीज़ों पर डिपेंड करता है कितने स्टूडेंट्स अपीयर कर रहे हैं, बिकॉज यू नीड 50% टू क्वालिफाई द नीट एग्जाम, इट इज़ नॉट परसेंटेज, इट इज़ परसेंटाइल। एंड परसेंटाइल के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं और अगर हम लास्ट 3-4 ईयर्स का अगर हम ट्रेंड देखते हैं तो होपफुली इस ईयर भी आपको अराउंड 122-125 के अराउंड आपको मार्क्स चाहिए अगर आपको नीट को क्वालिफाई करना है। दिस इज जस्ट क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप क्वालिफाई करते हो देन यू आर एलिजिबल टू टेक एडमिशन फॉर एमबीबीएस इन इंडिया और इन अब्रॉड। सो अब अगर हम बात करते हैं कि आपको अभी आगे फर्दर क्या करना है, सो अगर हम बात करते हैं इंडिया में एडमिशन की तो अगर आपने आंसर की मैच की और आपका स्कोर आपको लग रहा है कि 600 प्लस आपका स्कोर आने वाला है, देन यू शुड वेट फॉर द काउंसलिंग एंड आपको इंडिया के मेडिकल कॉलेजेस, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज का ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहिए। आपको इजीली मिल जाएगा एडमिशन अगर आपका स्कोर जो है 600 प्लस है और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तब भी आप काउंसलिंग करके आप इंडियन प्राइवेट मेडिकल कॉलेज को अवॉइड करके आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अब अगर बात करते हैं आपकी अगर मार्क्स जो है वो 300-450 की रेंज में अगर आ रहे हैं या 500 की रेंज में आ रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ट्रिकी सिचुएशन है, बिकॉज इस रैंक के अंदर इतने मार्क्स के साथ साथ अगर आप चाहते हो कि आपको इंडिया में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिले तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। फिर आपके पास रह जाते हैं प्राइवेट कॉलेजेस के ऑप्शन। अब प्राइवेट कॉलेजेस का आप सबको पता है कि फ़ीस जो है वो कहीं ना कहीं 75-80 लाख से स्टार्ट होके अप टू 1-1.5 करोड़ तक जाती है, डिपेंडिंग ऑन द सिटी और स्टेट इन विच यू आर परस्यूइंग एंड द कॉलेज। सो एक काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाता है। तो अब दूसरा जो ऑप्शन है, जो सबसे मतलब एक ऑप्शन हर साल बच्चे कंसिडर करते हैं, वो है एमबीबीएस अब्रॉड। एमबीबीएस अब्रॉड की हम स्पेसिफिकली बात करें तो कंट्रीज़ हैं जैसे कि रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, जहाँ पे इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड में स्टडी करने के लिए। हर साल 20,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं अब्रॉड में एमबीबीएस की स्टडी करने के लिए, जिसमें सबसे जो पॉपुलर डेस्टिनेशन है स्टूडेंट्स की वो है रशिया। अब रशिया में अगर आपको एडमिशन लेना है तो आपको नीट क्वालिफाई करना है। क्वालिफाइंग का मैंने आपको बताया, अगर हम लास्ट 3-4 ईयर्स का ट्रेंड अगर हम देखते हैं तो आपको समवेयर अराउंड 122-125 मार्क्स आपको चाहिए। अगर आपने आपकी आंसर शीट मैच की और आपका इतना स्कोर बन रहा है तो आप एलिजिबल हो अब्रॉड में एडमिशन लेने के लिए, तो आपको रशिया का ऑप्शन कंसिडर करना चाहिए। और अभी एट प्रेजेंट रशिया में एडमिशन ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटीज में ओपन हो गए हैं, सो इट इज़ बेटर दैट यू अप्लाई एज सून एज पॉसिबल, बिकॉज एमबीबीएस अब्रॉड एक ऑप्शन तो आपके लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस अब्रॉड में भी कि आप कभी भी एडमिशन ले सकते हो। एमबीबीएस अब्रॉड में जब आप चूज़ कर रहे हो तो आप कुछ बातें जिनका आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो आपको क्लियर होना चाहिए कि वहाँ की कितनी फीस है, कितने आपके अदर एक्सपेंसेस आने वाले हैं, क्योंकि एक बजट जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सेकंड फैक्टर जो स्टूडेंट्स कंसिडर करते हैं वो है क्लिनिकल एक्सपोजर। अब क्लिनिकल एक्सपोजर की हम बात करें तो क्लिनिकल एक्सपोजर अगर आपको चेक करना है कि किसी यूनिवर्सिटी में अच्छा है या नहीं है, तो आप सिंपली आप ये देखिए कि जिस सिटी में आप जा रहे हो, यूनिवर्सिटी जिस सिटी में लोकेटेड है उस सिटी की पॉपुलेशन कितनी है। उस सिटी की पॉपुलेशन अगर काफ़ी अच्छी हाई पॉपुलेशन है तो इसका मतलब ये है कि आपको क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी अच्छा मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा पॉपुलेशन मीन्स ज़्यादा नंबर ऑफ पेशेंट्स। अगर हम बात करते हैं सिटीज़ की, जैसे कि स्मोलेंस्क हो गया, व्लादिवोस्तोक हो गया, जहाँ फॉरेस्ट फेडरल यूनिवर्सिटी है, जहाँ की पॉपुलेशन ही काफ़ी कम है, वहाँ स्टूडेंट्स को क्लिनिकल एक्सपोजर काफ़ी कम मिलता है। हो सकता है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर का आप क्या ही करोगे अगर आपको क्लिनिकल एक्सपोजर ही नहीं मिल रहा है। तो क्लिनिकल एक्सपोजर भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए अगर आपको एमबीबीएस अब्रॉड से आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप चूज़ करना चाहते हो, डिसाइड करना चाहते हो। इसके अलावा थर्ड फैक्टर जो है वो आपको कंसिडर करना है, वो है आपको कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी में जा रहे हो वो कितना नियर बाय है कैपिटल के, क्योंकि ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में कैपिटल
में ही इंडियन एम्बेसी सिचुएटेड रहती है। इसके अलावा जो भी मोस्टली ओलंपियाड, स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स, एक्सचेंज प्रोग्राम्स वगैरह होते हैं, तो उन सब का डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो आपके कंट्री कैपिटल से ही आपका होता है। इसके अलावा जो एक और पॉइंट फैक्टर जो आपको कंसिडर करना चाहिए वो है सेफ्टी। अब सेफ्टी मेरा मतलब ये है कि आपको ये देखना है कि वो यूनिवर्सिटी जो है वो गवर्नमेंट हॉस्टल्स ऑफर कर रही है नहीं कर रही है, बिकॉज बिलीव इट और नॉट गवर्नमेंट हॉस्टल्स आर द सेफेस्ट, और इट इज़ बेटर दैट हर यूनिवर्सिटी में जहाँ भी आप जा रहे हो तो यू शुड ऑप्ट फॉर गवर्नमेंट हॉस्टल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ वेरी सेफ, सेकेंडली इट इज़ वेरी बजट फ्रेंडली, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल्स जो है उनकी जो हॉस्टल फीस है वो लगभग आप लगा के चल सकते हो कि 1000-1200 से लेके 3000 के बीच में रहती है, जो कि आप मंथली अगर पे करते हो तो एक काफ़ी मतलब कम अमाउंट है। लेकिन अगर आप किसी ऐसी यूनिवर्सिटी में जाते हो जहाँ गवर्नमेंट हॉस्टल्स ऑफर ही नहीं होते हैं, तो वहाँ पे आपको 40,000-50,000 पर ईयर आपको सिर्फ हॉस्टल फीस में आपको स्पेंड करने पड़ते हैं। सो हॉस्टल्स के रिगार्डिंग आपको कंसिडर करना चाहिए। इसके अलावा आपको एक फैक्टर ये भी देखना चाहिए कि जिस भी यूनिवर्सिटी में आप जा रहे हो वहाँ के स्टूडेंट्स का फीडबैक कैसा है। तो स्टूडेंट के फीडबैक के बारे में अगर आपको जानना है या रिव्यू के बारे में जानना है, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे। बिकॉज मैंने खुद रशिया से अपनी MBBS कंप्लीट की है, तो मेरे को एक एक्सपीरियंस है रशिया की मोस्टली सभी यूनिवर्सिटीज़ के बारे में। बिकॉज पिछले 4 ईयर से जैसे हम MBBS एडमिशन्स करा रहे हैं, काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ों ने स्टूडेंट्स को सेंड किया, जैसे कि कजान फेडरल है, कजान स्टेट, वेयर स्टेट, ओरनबर्ग, नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, उलेनो स्टेट यूनिवर्सिटी, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, बश्कीर स्टेट यूनिवर्सिटी, क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनमें हमने हर साल स्टूडेंट्स को हम सेंड करते हैं। तो एक काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है स्टूडेंट्स हमारे साथ शेयर करते हैं, जो हम भी शेयर करते हैं आप लोगों के साथ टेस्टिमोनियल की फॉर्म में यूट्यूब पे, तो आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। वी विल बी वेरी हैप्पी टू हेल्प यू, और आपको हम प्रॉपर डिटेल शेयर करेंगे सभी यूनिवर्सिटीज़ की और आपके एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आप चाहते हो कि हम किसी भी स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में अगर हम वीडियो बनाएं, तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो। एंड अगेन मैं आपको एक बार समराइज कर देता हूँ कि अगर आप 125 टू 130 के बीच में अगर आप स्कोर कर रहे हो या उससे अब स्कोर कर रहे हो, यू शुड कंसिडर MBBS अब्रॉड एंड यू शुड कॉन्टैक्ट अस। वी विल हेल्प यू इन चूजिंग अ यूनिवर्सिटी एंड हेल्प यू इन गेटिंग द एडमिशन प्रोसेस डन।